आप देख पा रहे हैं इसमें तस्वीर जो है मिनी सेक्रेटरिएट लघु सचिवालय के अंदर नौजवान भारत की नौजवान सभा के सदस्य यहां पे पहुंच चुके हैं। कारण क्या है, सेक्टर 16-17 के अंदर 50 से ज़्यादा झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी थी कल शाम को, और उनको पुनर्स्थापना के लिए यहां पे ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। जिला कमेटी के प्रधान प्रदीप हमारे साथ में हैं, बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में। जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, 50 से ज़्यादा झुग्गी झोपड़ियाँ गुजर गई भट्टा मजदूरों की, और इनका रहने का खाने पीने का जो व्यवस्था है वो जमा दुरुस्त हो चुकी है। तो हम प्रशासन से अपील करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इन्हें खाना पीना और पानी मुहैया कराएं और शौचालय मुहैया कराएं। जो स्वास्थ्य की जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध करवाएं। यहाँ प्रशासन अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हम इसीलिए दोबारा प्रशासन को ज्ञापन देके आ रहे हैं, डीसी महोदया जी को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं, और इनकी जो खाने पीने की व्यवस्था है वो अभी तक सुबह से अभी तक कोई पानी की बोतल भी नहीं है इनके पास में, और समाज से भी लोग हैं वो थोड़ा बहुत इनकी सहायता कर रहे हैं, बाकी प्रशासन से इनके पास से कोई सहायता नहीं मिली है। और तो उम्मीद करेंगे हम, जितने भी आपके चैनल के द्वारा देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भट्टे मजदूर हैं जो इनकी सहायता करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर प्रशासन को बोलें कि इनकी सहायता करें। जो आप ज्ञापन देने जा रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ जो जल चुकी हैं उनके बारे में ज्ञापन दे रहे हैं, और साथ में जो भट्टा मजदूर यहाँ पे 4-5 दिन से लगातार यहाँ पे आंदोलन पे बैठे हुए हैं, पूरे परिवार सहित आप देख पा रहे हैं बैठे हुए हैं, इनकी मांग कर रहे हैं कि इनके खाने और रहने की व्यवस्था जो है प्रशासन करे अगर आंदोलन में जो बैठे हैं। ये कोई आंदोलन में जी बैठना नहीं चाहता, पर ये आज मजबूर है। देखोगे आप, छोटे छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट है कुछ महिलाएं, वो भी यहाँ बैठी है। यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो इनको भी मान लो आरामदायक हो। इनका घर है बर्बाद हो चुका है, इंसान की पहली जो है रोटी कपड़ा और मकान वो इनके पास अभी है नहीं। इनका रहने का खाने पीने का सारा सामान जल के राख हो चुका है, अभी इनके पास में कोई साधन नहीं है। जो भट्टा जो मालिक है वो भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो हम ये बता देना चाहते हैं आज इनके साथ में जो घटना घटी है वो कल ना हमारे साथ में भी घट सकती है। तो हम इनके साथ में हैं, जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इनके साथ में रहेंगे, इनकी लड़ाई लड़ेंगे। भारत की नौजवान सभा के ये प्रदीप जुला अध्यक्ष बात कर रहे थे। हमारे साथ में भट्टा मजदूरों से जुड़े हुए, सीटू से जुड़े हुए जो काफ़ी पदाधिकारी भी यहाँ पे मौजूद है, मनोज सोनी जी हैं, इनसे बात करेंगे। 4-5वां दिन आज लगातार यहाँ पे इन मजदूरों को बैठे हो चुका है, लेकिन प्रशासन जो है ढिलमुल रवैया अपनाते हुए इनका कोई समाधान निकाल नहीं पाया, क्या कहना चाहेंगे। मैं वैसे भवन निर्माण कामगार यूनियन का जिला सचिव भी हूँ और CIT का कोषाध्यक्ष हूँ। भट्टा मजदूरों की मांग पिछले 5 दिनों से लगातार यहाँ बैठे हैं, अपनी मांगों को लेकर एक न्यूनतम वेतन की मजदूरी को मांग के ले रहे हैं। लगातार इसको आप मीडिया के माध्यम से प्रशासन को ज्ञापन दे के अवगत करा चुके हैं। लगातार प्रशासनिक अधिकारी हैं जो लेबर के वहाँ से बातचीत चल रही है, और जो कल की जो घटना हुई है, जो झुग्गी में आग लगी शाम को, वहाँ शाम को भी मैं गया था और आज सुबह भी वहाँ जाके आया हूँ। अभी तक जो सिचुएशन है वो मोटा मोटी लगभग 22 के करीब झुग्गियाँ जड़ी हैं वो, और उन झुग्गियों में जितना सामान था वो बिल्कुल जल के राख हो गया। खाट है, बिस्तर है, उनकी साइकिल है, छोटा मोटा कोई और सामान है, कुछ पैसे वैसे भी जो उन्होंने धरे हुए थे वो भी जड़ गए। एक तो सुनने में ये भी आया है कि जो लड़की की शादी के लिए कुछ पैसे इकट्ठे कर रखे थे, जो 1 लाख थे 1.5 लाख थे जो भी थे उसके, वो भी जल के उसके राख हो गए हैं। और मुख्य तौर पर अभी प्रशासनिक तौर पर वहाँ प्रशासन जा तो रहा है, नायब तहसीलदार खड़े हैं, लेकिन अभी इसे फौरी तौर पर कोई राहत देने की प्रशासन की तरफ से मदद नहीं हो पाई है। समाज सेवी संगठनों ने वहाँ उनको खाने वाने की व्यवस्था एक बार सुबह की आज की हुई है, लेकिन जो अगला काम है उनका जो तिरपाल देना, झुग्गियाँ वापसी लगवाना, उनकी जितने सामान वेस्ट जड़ के राख हो गया उन सामान की व्यवस्था करना, बर्तन दिलाना, जितनी भी चीज़ें हैं उनकी काम की व्यवस्था है, अगले कुछ दिनों तक वो काम भी नहीं कर पाएंगे तो वो काम उनका कोई सूखा राशन की व्यवस्था की जाए, आर्थिक मदद की जाए, ऐसी पहलकदमी पर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और उनको राहत मिले ताकि आगे आने वाले टाइम में, और एक काम की भी जो उनको वो संकट पड़ रहा है जो इस दौर से गुजर रहे हैं। और हालांकि इससे पिछले कई दिनों से भी हम उनकी मांग करते रहे हैं, वहाँ लेटरिंग पानी की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, पीने का पानी की व्यवस्था भी नहीं है,
और वहाँ कुछ सेक्टर वासियों ने पीछे उनको उठाने के लिए भी दबाव बनाया गया था। कई ऐसी नौबतें हैं, तो ऐसे जो प्रवासी बाहर के जो काम करने वाले मजदूर यहाँ बैठे हैं उनका कोई स्थायी निवास की भी मांग करते हैं हम प्रशासन से। उनका स्थायी निवास हो, सारी चीज़ें स्वास्थ्य चिकित्सा जितनी भी चीज़ें हैं मुहैया जो आम जीवन में जुड़ी हुई होती हैं उनकी जिम्मेदारी प्रशासन निभाए, इसी आशा और उम्मीद के साथ प्रशासन से उम्मीद करेंगे उनको राहत दी जाए। मेरा नाम मनोज कुमार, जिला सचिव भवन निर्माण कामगार की। हमारे साथ में जो सिटू से जुड़े हुए हैं प्रेम कुमार और लंबी लड़ाई मजदूरों की लड़ते रहते हैं, जो भवन निर्माण के मजदूर हैं, भट्टा मजदूर हैं, और अब तो देखें तो यहाँ पे जो घटना 16-17 सेक्टर के अंदर घटी है उनकी झुग्गियाँ जल करके राख हो चुकी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक कोई जो आर्थिक सहायता या किसी तरह से वो नहीं पहुँचाई गई है, क्या कहना चाहेंगे? प्रेम कुमार, भट्टा मजदूर यूनियन की ओर से जो कल जो घटना घटी है सेक्टर 16-17 में जो झुग्गियों में आग लगी है और जो उनके जान माल की हानि हुई है, मेरा ये कहना है कि प्रशासन को उनको राहत मतलब उनको आर्थिक मदद करनी चाहिए, जो भी उनका नुकसान हुआ उनकी भरपाई करनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि जो इस धरती पे मतलब मजदूर पूरी दुनिया का निर्माण करने वाला मजदूर है वो आज बिना कच्ची झुग्गियों में उनकी मतलब ईंटों की झुग्गियाँ भी नहीं है, कपड़ों की झुग्गियाँ बना रखी है और वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसी इससे बुरी सरकार और क्या होगी। हम ये कहना चाहते हैं कि इस सरकार को सोचना चाहिए कि पूरी दुनिया का निर्माण करने वाला मजदूर के पास कम से कम जो संविधान के अंदर लिखा होता है कि जो इस धरती पे जन्म लेगा उसको रोटी कपड़ा और मकान तीन चीज़ बुनियादी ज़रूरत होती है, ये सबसे पहले मुहैया कराने की मतलब जिम्मेवारी लेती सरकार। लेकिन सरकार का चरित्र ये गरीब मोहल्लों में झुग्गियों में, और जब घटनाएँ घट जाती है तब हमें पता चलता है कि मतलब इस सरकार का क्या चरित्र है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो झुग्गी वाले झुग्गियों में जो मजदूर रहते हैं इनको इनके लिए आवास का निर्माण करना चाहिए ताकि किसी भी जान माल की मतलब हानि ना हो। और ये तो हम मतलब इस चीज़ का वो मानते हैं कि यहाँ पे किसी बच्चे की या किसी इंसान की जान नहीं गई, नहीं तो इन्हीं झुग्गियों के अंदर जब सामान की राख हो गई तो इंसान की भी राख हो सकती है। इसलिए हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं भट्टा मजदूर यूनियन की ओर से, और हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन को कि इनकी सुरक्षा के लिए कम से कम आवास का प्रबंध किया जाए और ताकि ये अपनी ज़िंदगी जी सके, कमा करके अपना पेट भर सके, अपने बच्चों को पाल सके, यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। भट्टा सेक्टर 16-17 के अंदर जो जली झुग्गी झोपड़ियों की निंदा भी की जा रही है क्योंकि उनको प्रशासन जो है अभी तक कोई भी सुविधा मुहैया नहीं करवा पाया है। जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वही इनकी बात को उठा रहा है। यहाँ पे काफ़ी संस्थाएं जो है जिला प्रशासन में ज्ञापन देने के लिए भी पहुँची, आप सुन पा रहे थे, काफ़ी हमने बताया।